आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त और पावरफुल मुद्रा का अभ्यास सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास जो भी व्यक्ति निरंतर करता रहता है वो मृत्यु और बुढ़ापे के डर से दूर रहता है, यानी उसको ना तो मृत्यु परेशान कर सकती है ना तो उसको कभी बुढ़ापा पास में आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि घेरण संहिता के चैप्टर 3 के श्लोक नंबर 73 जो कि ये कहता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, इसके लाभ क्या है, सावधानियाँ क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी जिससे कि जो भी व्यक्ति इसका अभ्यास ना कर पाए वो आसानी से इसका अभ्यास कर सके। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। घंटी का निशान दबा लीजिएगा सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना किया करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। पहले फिजिकल स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं, यानी शारीरिक स्वास्थ्य लाभ क्या मिलेंगे। इससे पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी इनडाइजेशन की समस्या, पेट में गैस बनती है, पेट फूला फूला रहता है, भारी लगता है, कब्ज की समस्या है, कुछ भी खाते पीते हैं वो शरीर में लगता नहीं है, पोषक तत्व जो है बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट करने में मदद करेगा, पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी और साथ ही जैसा मैंने शुरू में बताया कि इससे बुढ़ापे का जो डर है वो दूर होता है और मृत्यु का डर भी आपसे कोसों दूर भागेगा। तो ये तो हुई ये सारे के सारे लाभ। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से आपके बॉडी का माइंड के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, शरीर में लचीलापन भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपको भूख प्यास बहुत अच्छी तरीके से लगती है और जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छी तरीके से पच जाता है और कुछ भी आराम से खा सकते हैं। अब जान लेते हैं सावधानियां। सावधानियां जानना बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं को पीरियड्स है तो ना करें, अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो भी इसका अभ्यास ना करें, अल्सर है तो ना करें, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी बिल्कुल इसका अभ्यास ना करें, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो भी इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, अगर अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल सर्जरी बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर स्पाइनल सर्जरी हुई है बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर आप अभी भी थकान महसूस करते हैं, शरीर पे ऊर्जा नहीं है तो भी इसका अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। अब सीखते हैं कैसे करेंगे ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास। ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास करना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें आपको कुंभक का अभ्यास करना आना चाहिए। कुंभक का अभ्यास कैसे करना है इसके लिए मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो आप बाद में जाके देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है आपको कुंभक का अभ्यास। कुंभक यानी ब्रेथ रिटेंशन। कुंभक जो है तीन तरीके के होते हैं, अभी की वीडियो में हम सिर्फ दो तरीके के कुंभक का अभ्यास करना सीखेंगे। एक है आंतर कुंभक यानी इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, दूसरा है बहिर्कुंभक यानी एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ जिसमें सांसों को बाहर रोका जाता है। तो सबसे पहले इसको सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो सांस लेते हुए सांस लें नाक से और पेट को बाहर की तरफ ऐसे फुलाएं पूरा फुलाएं जैसे पेट में पानी भर गया हो, ऐसे पूरा। और फिर जब सांसों को रोक के रखेंगे इस तरीके से, तो जब सांस को अंदर रोक के रखा, सांस लेने के बाद सांस को अंदर रोक के रखा, यह है आंतर कुंभक यानी इंटरनल रिटेंशन। और फिर जब सांस को छोड़ेंगे नाक से, धीरे 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 पेट पूरा खाली हो गया, पिचक गया, अंदर की तरफ चला गया, तो ये हो गया। अब सांस को रोक के रखिएगा और जब आपने सांस को रोक लिया है तो इसको कहते हैं बहिर्कुंभक यानी एक्सटर्नल रिटेंशन। फिर से देखिए, सांस लेते हुए आपकी सहूलियत के लिए मैं अपने हाथ को पेट पर रख लेती हूँ ताकि आपको पेट का मूवमेंट महसूस हो। सांस लेते हुए पेट बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। बल्ज अप योर एब्डोमन लाइक अ बलून, बड़ा गुब्बारा इस तरीके से, पेट फूल गया, रोक लिया सांसों को, 1 2 3 4 5। अब सांस को छोड़ रही हूँ धीरे धीरे नाक से, एक्सेल कर रही हूँ और पूरा सांस जब छूट जाए धीरे धीरे करके एकदम से नहीं, ऐसे। तो फिर सांस कैसे छूट गई और पेट कैसे पिचक गया, सिंक योर एब्डोमन इन, रिटेन योर ब्रेथ आउट, एंड दिस इज एक्सटर्नल रिटेंशन, 1 2 3 4 5, और फिर रिलीज कर दें।
तो ये आपने सीख लिया कैसे सांस को अंदर रोकेंगे और किस तरीके से सांस को बाहर रोकेंगे, आंतरकुंभक और बहिर्कुंभक दोनों के अभ्यास के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। इस जूम योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे एक घंटे के ड्यूरेशन की क्लासेस होती हैं। ये इस एक घंटे के ड्यूरेशन में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे, रिलैक्सेशन सीखेंगे और इतनी सारी चीजें क्यों करेंगे, ताकि ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिल सके। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ना, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा और आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा। आपको एक बात बताऊं, मेरी जो एग्जिस्टिंग क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनको इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, जैसे कि उनको डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लड़कियों की पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को तो वो बेहतर आने लगी है, अत्यधिक मानसिक तनाव होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है, अगर इस तरीके की समस्याएं, इन सभी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं इनसे उभरने में बहुत मदद मिला है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेस बॉन्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको स्वास्थ्य में लाभ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और एक सबसे अच्छी बात, आपको घर पे ही रह के ये सारे अभ्यास करना है। मैं आपके सामने होंगी और आप मेरे सामने होंगे और हम दोनों मिलकर अभ्यास करेंगे। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं उन रिकॉर्डेड सेशंस को परचेस करना है। एक घंटे की वीडियो होंगी, उन वीडियोस के माध्यम से अपने घर के कंफर्ट जोन पे रह के ही आपको इन वीडियोस को प्ले करना है और अपने अभ्यास को शुरू कर देना है। कितना आसान है ना। अगर आप चाहते हैं और जानकारी इसके बारे में जानना, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी क्लास और कोर्स के बारे में तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास। इस तरीके से आप अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लें, इस तरीके से। इसको कहते हैं दंड आसन। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें और पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रहने दें, नॉर्मल फासला रहने दें। पहले बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। इस अभ्यास को कभी भी जल्दबाजी में ना करें। आप पैरों को ऐसे स्ट्रेच कर लिया और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे आगे ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया। पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए या तलवे को इस तरीके से पकड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है, ऐसा, जैसे आप पश्चिमोत्तानासन में आगे झुक जाते हैं ना, आगे नहीं झुकना है। रीढ़ की हड्डी को पैर को पकड़ने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और सामने देखना है, ऐसे नीचे नहीं झुकना है। इससे आप महसूस करेंगे पेट पर एक दबाव आ रहा है और पेट पर दबाव आने की वजह से पेट पर ये जो मांसपेशियां हैं इसकी मजबूत होगी, ऐसे। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करें, अपने ध्यान को अपने पेट की मांसपेशियों पर लेके जाएं और फिर उसके बाद अब क्या करें, गहरी सांस लें। सांस लेते हुए पेट को पूरा फुलाएं। फुलाने के बाद पेट तालाब की तरह फूल जाएगा, भर जाएगा, जैसे पानी भरा हुआ हो, और होल्ड करके रखें यहां पर सांसों को और पेट को फुला के रखें। 1, 2, 3, 4, 5। अब सांस छोड़ें धीरे 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 धीरे। पेट पिचक रहा है, पेट पिचक रहा है और पेट की सारी हवा खाली हो गई और पेट अंदर की तरफ, आपने सांसों को, पेट अंदर गया और सांस को बाहर रोक के रखा। फिर से सांस लेते हुए पेट फुलाएं, 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 पूरा फुला लें। पेट गुब्बारे की तरह फूल गया, जैसे तालाब में पानी भर गया हो, उस तरीके से पूरा फूल गया है। और जितनी देर तक आप आसानी से ऐसे पेट को फुला के रख सकते हैं, फुला के रखें। और फिर धीरे धीरे जब सांस छोड़ना है तो नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और पेट पूरा का पूरा अंदर की तरफ पिचक जाए। जितना आप अंदर की तरफ पेट की मांसपेशियों को पिचका सकते हैं उतना पिचकाएं।
ये अभ्यास हो जाए तो रिलीज करने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख दें। इससे पेट की मांसपेशियों पर तो असर आया भी। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सांस लेने का पैटर्न बिल्कुल गलत होता है, वो कभी भी पूरी सांस नहीं लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो लंग्स के ऊपरी लोब तक सांस लेते हैं। लेकिन जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपके लंग्स के लोअर लोब तक सांस भरी, पेट को पूरा फुलाने से डायफ्राम जो है नीचे की तरफ पुश हुआ, जिससे फेफड़ों को जगह मिली, इससे आपका ब्रीदिंग जो है और बेहतर होगा। पेट पूरा फूला, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, लंग्स पूरे एक्सपेंड हुए, और फिर जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आया, पेट अंदर की तरफ पिचका और पूरा का पूरा फेफड़ा खाली हो गया। तो जिन भी लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानी है उनको भी ये अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके फेफड़े बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनका जो रिदम होता है सांस लेने और छोड़ने का, वो बेहतर हो जाता है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं होंगे कि ऐसे अपने पैर को या ऐसे पकड़ लें, तो आप क्या करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथ जहां तक आगे जाए आपका, मान लो कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो हाथ आपका आगे की तरफ जहां तक जाए, मान लो यहां तक जा रहा है, यहां तक रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सामने बिल्कुल मत झुकिएगा वरना पेट फूल ही नहीं पाएगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद सांस लेते हुए पेट फुलाएं 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 फुलाएं, गुब्बारे की तरह फूलने दें, फूलने दें, फूलने दें, फूलने दें, फूलने दें, रोक के रखें। फूलने के बाद रोकना है सांस को अंदर ही, और फिर जब सांस छोड़ रहे हैं नाक से, पेट खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, पेट को अंदर की तरफ आपने पुल कर लिया। इस तरीके से इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। और मान लीजिए कि आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप इसका एक वेरिएशन क्यों नहीं कर लेते हैं। क्या करना है आपको, आराम से इस तरीके से ऐसे लेट जाना है ऐसे, और लेटने के बाद अपने पैरों को ऐसे सीधा कर लीजिए ऐसे। आराम से लेटने के बाद अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, और फिर उसके बाद सांस पूरी भरने के बाद अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं। जब गुब्बारे की तरह पेट फूल जाए तो कुछ देर सांसों को रोक के रखें, जब तक आप आराम से रोक सकते हैं, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके नाक से अपने सांस को छोड़ दें, और पेट को खाली करने के बाद अपनी नेवल रीजन नाभि को अंदर की तरफ खींच लें। ऐसा अभ्यास आपको बार बार करना है, कम से कम 5 से 7 बार इसका अभ्यास कर ले वो काफी होगा। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, पूरा फुलाएं गुब्बारे की तरह, और फिर सांस को रोक लें जब तक आप रोक सकते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस को छोड़ देना है, और ये काम बड़े आराम से और धीरे धीरे करना है, और छोड़ने के बाद सांस को बाहर रोक के भी रखना है। ये अभ्यास जब भी करें, ये सारे अभ्यास आंखों को बंद करके, जिससे आपके बॉडी का माइंड के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, कनेक्शन इम्प्रूव हो, दोस्ती मजबूत हो। तो ये सारे मैंने आपको कुछ वेरिएशंस बताए हैं जिसका कि आप अभ्यास निरंतर करते रह सकते हैं। ना सिर्फ पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बल्कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, किडनियाँ, लिवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा। इससे जो मल मूत्र बाहर शरीर से जाना चाहिए टाइम टू टाइम, और अगर वो रुक जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो वो भी नहीं होगी। यानी आपका एस्क्रेशन की समस्या जो है, एस्क्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत बेहतर होगा। अब जाने से पहले ये भी समझ लीजिए कि इसका अभ्यास कितना करना है। इसका अभ्यास 5 से 7 बार मात्र करें। एक बार करने के बाद थोड़ा रुक जाएं और फिर उसके बाद दूसरी बार अभ्यास करना शुरू कर दें। कब करना है, सिर्फ और सिर्फ खाली पेट करना है, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लें, या शाम में अगर आपका पेट खाली होता है तो शाम में इसका अभ्यास करें। कभी भी खाना खाने के बाद इसका अभ्यास ना किया करें। आपने शारीरिक लाभ तो बहुत जान लिए, जरा आध्यात्मिक लाभ के बारे में भी जान लीजिए। इस अभ्यास को करने से आपके मणिपुर चक्र जो नाभि में एग्जैक्टली आपके नाभि के पीछे बैकबोन पर मणिचुक चक्र, मणिपुर चक्र का स्थान है, इस अभ्यास को करने से आपके मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है, जो कि ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी आसानी से इस मुद्रा का अभ्यास आपको सिखाया।
आशा करती हूँ इस मुद्रा में बताए गए हर स्टेप को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है आपका तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सवाल नहीं भी है तो आपको ये वीडियो, मेरा प्रयास समझाने का तरीका कैसा लगता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं इसी तरीके से मेहनत करती रहूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब भी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, सभी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि कितना आसान है ना ये अभ्यास करना। इसी तरीके से योग का अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्ते।